हेलो नमस्ते और हाउस क्वीन नीता में आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। मैं और रियांश आए हैं अभी बाहर, अश्विन घर पे नहीं है, वो किसी काम से बाहर गए हैं। तो दिन में तो हमने काम कर लिए थे, आप देख सकते हो सब जगह मस्त लाइटिंग लग रही है, दिवाली में ऐसे चकाचौंध हर जगह दिखती है, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा लगा है लग रहा है हमको। हमने सोचा नहीं है कि क्या शॉपिंग करने हैं, तो देखते हैं यहाँ पे कि क्या लेने वाले हैं और इसके बाद भी हम कहीं जाने वाले हैं। तो चलिए फिर यहाँ से ही मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ पे अंदर आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि दिवाली का टाइम है और सब भरा हुआ था। और हमेशा दिवाली के 4-5 दिन पहले हम आते ही है क्योंकि बहुत सारे ऑफर्स भी रहते हैं और बहुत सारी वैरायटी दिखने को मिलती है। तो मुझे रियांश के लिए देखना था लेकिन सबसे पहले मैं ये गर्ल्स सेक्शन में आ गई। गर्ल्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस थे, बॉयज़ का ऐसे होता है कि सिर्फ टी शर्ट और जींस ले लो और बस, कुछ इतना देखना नहीं पड़ता है। तो वो तो काम फटाफट हो गया। इस बार दिवाली का टाइम था तो अच्छे टी शर्ट और ये सब मिल गया, लेकिन फिर भी मैंने ज़्यादा नहीं लिए क्योंकि मुझे और भी उसके लिए ट्रेडिशनल वियर लेना था। तो थोड़ा सामान लिया और बाकी इधर उधर घूमे। यहाँ पे उसने चॉकलेट्स ले ली और बस इसी तरीके से छोटा छोटा सामान लिया और ज़्यादा कुछ लिया नहीं। और जल्दी से हम बाहर आ गए क्योंकि हमें जाना था और एक जगह, तो यहाँ से जल्दी जल्दी जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लेट हो जाता है। सामान लेना नहीं होता है लेकिन ढूंढते ढूंढते और सोचते सोचते बहुत लेट हो जाता है और भीड़ भी थी। फिर हम आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी एग्जीबिशन लगी थी जिसमें बहुत सारी वैरायटी तो थी ही लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल सिरेमिक की और ये सारी चीज़ें थी। बहुत ब्यूटीफुल टी वाले कप थे और अंदर भी बहुत सारे शॉप्स लगी हुई थी अलग अलग जैसे एग्जीबिशन में लगती है, लेकिन कपड़े की शॉप्स इतनी अच्छी नहीं थी, बस नॉर्मल ऐसे रेगुलर जो कपड़े होते हैं। तो कपड़ों के सेक्शन में हमने कुछ नहीं लिया लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा घूमते हुए बहुत सारी चीज़ें ली। तो यहाँ पे ये ज्वेलरी वाला लगा था लेकिन उतनी अच्छी ज्वेलरी नहीं मिली, बस देखी और चले आए। मटेरियल या ड्रेस मटेरियल भी इतने अच्छे नहीं थे, बस लगा था तो हर एक चीज़ देखते देखते आते हैं। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम चला गया और अच्छा था, लेकिन बहुत दिनों बाद ऐसे एग्जीबिशन में गई थी तो देखने में एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, लेना कम होता है। और अश्विन साथ में नहीं थे तो उतना मैं ले नहीं पाई, वो साथ में होते तो थोड़ी बहुत चीज़ें लेना हो जाती है, लेकिन हम दोनों ही थे तो इतना इंटरेस्ट नहीं आया। तो इसी तरीके से छोटा मोटा सामान लिया और फिर अंदर गए तो यहाँ पे वो जो घर संसार वाला सेल होता है या 30 रुपीज़ वाला सेल था तो ये अच्छा था। तो यहाँ से भी मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें ली, बहुत ज़्यादा नहीं ली क्योंकि रियांश भी रहता है तो लड़कों का शायद होता ही है कि चल मम्मा जाना है, इधर जाना है, तो उसकी वजह से भी चीज़ें नहीं ले पाई, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने यहाँ से भी उठाई तो ये मुझे अच्छा लगता है। और वैसे भी मेरे को मार्केट साइड जो शॉपिंग होती है वही अच्छी लगती है, तो ये मुझे बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। अगर अश्विन साथ में होते तो एक हाथ तो मैं ले ही लेती लेकिन वो नहीं हो पाया पॉसिबल। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे। और क्या क्या लिया? बहुत सारा लिया। चल आजा फिर, मत मत मत, टच नहीं करते, टच नहीं करते, चल चल इधर, चल इधर उसमें नहीं, चल इधर ही लिया था वो आकाश कंदिल दिया, चल आगे देखते पटाखे नहीं मिलते हैं बेटा इधर। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे, रियांश को पटाखे चाहिए थे और मुझे चाहिए था ये छोटा छोटा सामान, मेरे दिए लेने बाकी था और दिवाली में जो छोटी मोटी चीज़ें लगती है वो भी मुझे लेनी थी। तो यहाँ से मैंने दिए लिए, रंगोली ली और बाकी का भी सामान लिया जो दिवाली में लगता है। तो यहाँ पे मुझे नर्सरी भी दिख रही थी तो मैंने सोचा नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी तो यहाँ से कुछ पेड़ पौधे भी लेके जाऊँगी, तो ये मैंने ढूंढ के रखा है, बहुत अच्छा लग रहा था। ये तो था, यहाँ सिर्फ तुलसी थी और साइड में बहुत सारे पौधे थे और रास्ते पे ये छोटी मोटी दुकानें लगी हुई थी। यहाँ पे संडे मार्केट लगता है लेकिन कुछ रीज़न की वजह से वो नहीं लगा था, ही लोगों ने छोटी मोटी साइड से दुकानें लगा ली थी, अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत अच्छा मार्केट लगता है। और इसके बाद हमने लाइटिंग देखी, ये क्या है इधर छोटा छोटा, यहाँ ऐसा नहीं करते,
तुला सांग मला कुठे दिसले का तुला फटाके? चल इथे लाइटिंग घेऊ आपण. फटाके सांग मला कुठे दिसले का तुला? गैस वाला बलून लेके क्या ही मतलब है फिर? और सामान लेते लेते बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो हम आ गए थे घर जल्दी से. हमने सोचा कल वापस से आएंगे और जो बची हुई चीज़ें हैं उसे कल खरीदेंगे. चल बाहर जाए. अरे नहीं गए. चल ना जाए ना बाहर. ए चल रियांश चल लवकर. अरे जायचंय तुला नाही यायचंय का माझ्या बरोबर फटाके आणायला? हा चल लवकर. हा मिडला आहे मला. चल ना आपण बघू ना. इकडे हेल्मेट तर काढ. लाइटिंग लेने आ गए यार. ये देख कौन सी अच्छी लग रही है. स्टार वाली. कौन सी अच्छी है? स्टार वाली. स्टार वाली नहीं, नॉर्मल वाली चाहिए हमको, वो जो ऊपर लगी है. और यहाँ से फिर फाइनली हमने लाइटिंग ली और बहुत कंफ्यूज हो गए थे. और इस बार पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा महंगा था सब जगह. और हमको रियांश के लिए ड्रेस भी लेनी थी ट्रेडिशनल, और मार्केट जाना नहीं हुआ तो ये छोटी सी शॉप से ही ड्रेस ले ली. बट इस बार अच्छी मिली तो वो दिवाली में पहनेगा, तो आपको दिखेगा कि मैंने कौन सी वाली ड्रेस ली है. तो बस आज हमने सारी शॉपिंग कर ली थी और यही फाइनल शॉपिंग है अभी दिवाली की. सब हो गया, कपड़े भी ले लिए और रियांश को पटाखे पटाखे चाहिए थे वो भी मिल गए. और अभी के लिए तो शॉपिंग हो गई है. और आज भी जाते जाते बहुत लेट हो गया था तो मैं व्लॉग को एंड नहीं कर पाई. और जो चीज़ें मैंने ली है वो आपको दिवाली पे दिखी जाएगी. तो आज के व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ. मिलती हूँ आपको एक नए व्लॉग में. तब तक के लिए आप भी शॉपिंग करिए, खुश रहिए और इन्जॉय कीजिए.